हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मूलराज आनंद पर। लॉस्ट चाइल्ड का लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, जो खो गया। एक बच्चा है जो खो गया कहीं पर, कोना कहा मेले में खो गया है। ये लिखा गया है मूलराज आनंद के द्वारा। मूलराज आनंद की विशेषता है कि वह रियल राइटर हैं, जो वास्तविक घटनाएं होती हैं हमारे सोसाइटी के अंदर उस पर आधारित शॉर्ट कहानियां लिखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इम्प्रेसिव लेसन, जो वास्तविक रियल एक्चुअल लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं उन पर उनकी कहानियां होती हैं। इस कहानी में एक बच्चा है, चाइल्ड गोज टू ए फेयर, मेला में एक बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो काफी खुश है मेला जाने में, आप लोगों को बहुत खुशी होती होगी, बचपन में गए होंगे, अभी भी जाते होंगे। डिज्नीलैंड मेलों की जगह डिज्नीलैंड में ले लिया है, झूला लगा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, बहुत सारे बैलून वाले तरह तरह के झूले और वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, बच्चा हैप्पी है, एक्साइटेड है एंड वांट्स स्वीट्स। क्या चाहता है, मिठाइयाँ चाहता है, टॉयज चाहता है, तो डिस्प्ले में लगाया गया हुआ है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, उसके लिए उसके पेरेंट्स खरीदते नहीं है। एंड इट मीन्स जो इकोनॉमिक लेवल है फेयर में जाने वाले लोगों का, उस पर डिपेंड करता है उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उसके अनुसार खर्च करते हैं। हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स, इस बच्चे का पेरेंट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका लो है उससे बिलोंग करते हो। तो व्हाई डज ही चूज इट व्हेन समवन इल्स ऑफर देम टू। ऐसा होता है कि मेले में बच्चा खो जाता है, उसके बाद दूसरे लोग उसे वो चीजें जो पेरेंट्स ने नहीं खरीदते हैं उसे दिलवाना चाहता है, लेकिन वो बच्चा उन सारी चीजों को रिफ्यूज करता है, नहीं लेता है, केवल अपने माता पिता को ही खोजता है, रोता है। अब उसे और दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, कुछ सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखे, कुछ वर्ड्स मीनिंग वहाँ लिख दिया हूँ। ब्रीमिंग मंदावाला खड़ा हो, कम्युनिटी मन मानवता, लिंगरिंग अटकना, सप्रेस गवाना, फैसिनेटेड मन अट्रैक्टेड आकर्षित, पर्पल बैगनी कलर करते हैं, मस्टर्ड सरसों, सीट मीट मिठाई और लाफ्टर हंसी। इसके अतिरिक्त और भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसको आप डिक्शनरी के सहायता से भी लिख सकते हैं और हमसे भी पूछ सकते हैं कॉल करके। एक सिंबॉलिक मैंने आपको वर्ड्स नहीं कि आप वर्ड्स नहीं लिखना है और उसके बाद समरी लिखना है, क्योंकि हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। इट वॉज स्प्रिंग, बसंत का मौसम था, मेला लगा हुआ था और कहीं पर वहाँ पर लोग घोड़ों पर बैठ बैठ कर बैम्बू ब्लॉक कार्ट्स पर बैलगाड़ी पर करके जा रहे थे और एक छोटा बच्चा है अपने पिता के साथ, जो ब्रीमिंग विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जिंदगी और खुशी दोनों से लबालब भरा हुआ था, बहुत खुश था बच्चा, और ये अपने पिता के साथ मिला जा रहा था। बच्ची पेरेंट्स उस पर ध्यान लगाए हुए थे, आओ इधर, क्योंकि वह पिछड़ गया था पीछे और ट्वाइस की दुकान पर रुक गया था और ही जल्दी से पेरेंट्स के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे ट्वाइस चाहिए, लेकिन उसके फादर ने लाल आंखें करके उस पर नजर डालता है। इस फैमिली टायरेंट में पिता अक्सर डरावनी आंखें करके अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, माता ज़्यादा प्यार करती है, अंदर से पिता भी करते हैं, लेकिन वह थोड़ी परिचित अपने आतंकी आंखों के द्वारा उसे देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट, और माँ बचाव करती है कि अरे वो उधर देखो,
जहाँ पर ड्रैगन फ्लाई शिविर में उड़ रहे थे, सरसों के खेत थे, उधर देखने लगा वो बच्चा भी और फिर उसमें उलझ जाता है, ड्रैगन फ्लाई पकड़ने लगता है, सरसों के खेतों को देखने लगता है। पगन फिर उसे बुलाते हैं, फिर अपने साथ लेते हैं, फिर बढ़ते जाता है। फिर गांव स्वीट मीट की दुकान आती है, स्वीट मीट यानी गुलाब जामुन जहाँ बिक रहा है, रसगुल्ला बिक रहा है, बर्फी बिक रहा है, जैसे आपके भी मुँह में पानी आ सकता है, आ गया होगा, उसे आ गया, क्राउड से आ रहा है, सब खरीद रहे हैं। लेकिन उसकी फेवरेट, उस बच्चे की फेवरेट मिठाई बर्फी थी। जो बर्फी कहता है कि आई वांट दैट बर्फी, वो खुश आया, जोर से नहीं बोला, मरमार्ड, बट ही हाफ न्यू एची बैग दैट इज इंडिया वुड नॉट बी हिडेड। यानी वो निवेदन करेगा भी तो उसकी इस मांग को पूर्ति नहीं किया जाएगा, पहले ही पिता कहा चुके थे। फिर एक गारमेंट बेचने वाले के पास रुका, वहाँ भी रंग बिरंग के गारमेंट थे, गारमेंट ऑफ गुलमोहर, गारमेंट ऑफ, वो चिल्ला रहा था, बेच रहा था। फिर आगे बढ़ा, वो बैलून वाला था, ग्रीन येलो रेड बैलून बेच रहा था। चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द ओवरवेलमिंग डिजायर टू पर्सू देम। उसे इच्छा हुई उत्साहित हो कि सारे बैलून ले लूँ, बट लेकिन तो सी वॉक्ड ऑन फादर, वो आगे बढ़ गया। एक स्नेक चार्मर था जो फ्लूट बजा रहा था, बीन बजाता है, बजा रहा था, और बास्केट से सांप को उठा उठा कर सांप दिखा रहा था। एंड नोइंग वो गाना सुनने लगा बीन बजाने बजने का, लेकिन उसको जानता था कि पिता ऐसे गाने को सुनने के लिए बोलते हैं। फिर वह आगे स्विंग कर गया, फिर झूले वाले के पास, झूले के पास गया, राउंड अबाउट झूला जो होता है, फुल स्विंग में था, मैन ओ मैन चिल्ड्रेन और रिलिंग मोशन में उस पर झूल रहे थे। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड वर्ल्ड प्लीज फादर मदर, उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ये फूल ड्राई क्राई, अब जब पीछे देखा कोई आवाज़ नहीं आया, उसे पता चला कि माता पिता है ही नहीं। अब उसके अंदर गले से एक चीख निकल गई, माँ माँ, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह इधर उधर भागा, कहीं उसे नहीं मिल रहा था। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू स्टेयर इनटू हिज पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, एक मंदिर में चला गया जहाँ भीड़ थी, वहाँ मामा चिल्लाने लगा फादर मदर। ये उस भीड़ में से ए मैन इन सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना और उसकी ग्रेट डिफिकल्टी को सुना, लिफ्टे में उसको विवाहों में उठा लिया। हाउ डिड गेट हेयर, यहाँ कैसे आए, विच बेबी आ रही, तुम किसके बच्चे हो, लेकिन वो केवल चिल्लाता आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसे मैन ले गया स्नेक चार्मर के पास दिखाने, लिसन टू दैट न्यू नाइस म्यूजिक, अच्छी संगीत को सुनो। वह चिल्लाता रहा आई वॉन्ट माई फादर, मुझे नहीं सुनना, आई वॉन्ट माई मदर। फिर वो बैलून वाले के पास गया, बैलून ले लो, मिठाई वाले के पास गया, कहा ये मिठाइयाँ ले लो मैं खरीद देता हूँ, लेकिन किसी से भी चुप नहीं हो रहा था वो बच्चा, केवल आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर चिल्लाता रहा। तो इसमें एक साइकोलॉजिकल चाइल्ड साइकोलॉजी का वर्णन है। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे का दिमाग तुरंत, आपने देखा कि जब वह टॉय मांगा, माँ ने कहा कि देखो दूसरी चीज़ों को देखो, बहुत सारे मस्टर्ड का खेत है, वो वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई हो रहे हैं, पकड़ने लगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, जो चीज़ देखेगा उसे लेने की खरीदने की इच्छा उसके अंदर आती है। लेकिन उसे इसका मतलब ये नहीं कि यह उसका ग्रीड है, ये इसका नटीनेस है, उसकी चंचलता है। उसे माँ पिता से बढ़कर बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है, वह जब उसे हर एक चीज़ एक तरफ और माँ पिता एक तरफ हो
तो वह माँ और पिता को ही चाहेगा, उसके प्यार को ही चाहेगा। बच्चे नटखट होते हैं, सामानों के आकांक्षी होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए तंग भी करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन फाइनली दे वांट ओनली हिज फादर, ओनली देयर फादर, देयर मदर। चिल्ड्रेन आर नॉट ग्रीडी, दे आर लवर ऑफ हिज फादर एंड मदर। दे वांट्स लव फ्रॉम हिज फादर, दे वांट लव फ्रॉम हिज मदर। चाहे दुनिया की कोई चीज हो और उसमें माँ फादर एक तरफ हो, बच्चे माँ फादर को ही चाहते हैं। ये वेरी साइकोलॉजिकल स्टोरी एंड मूल राज आनंद ऐसे ही कहानियों के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद इसको समझ